आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला मोदी ने चंदा लेकर उद्योगपतियों को धंधा दिया और जांच एजेंसियों ने डराया बीजेपी ने चंदा पाया मोदी की वजह से आज देश की जनता शर्मिंदा है और हो भी क्यों ना आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम जो सामने आया है जी हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम यह घोटाला देश में मोदी और भाजपा की भ्रष्ट कलंकित लूटो और लूटने दो की नीति का पर्दाफाश कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में दान देने वाली कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पहले चंदा दिया और बाद में उन्हें भाजपा सरकार से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मिले मेघा इंजीनियरिंग अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेती है और ठीक एक महीने के बाद उन्हें 14400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ग्विन टनल प्रोजेक्ट मिलता है जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ तीन दिन बाद वो गारे पालमा कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया एपीसीओ इंफ्रा 10 जनवरी 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है और 24 जनवरी 2022 को उसे 9000 करोड़ का वर्सोवा सीलिंग टेंडर मिल जाता है मोदी के भ्रष्टाचार की दास्तान यहीं नहीं रुकती इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वाली टॉप 30 कंपनियों में से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी सीबीआई और आईटी ने छापेमारी की इनमें सबसे बड़ा नाम और सबसे ज्यादा रकम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स का है जिसने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया कैसे दिया यह भी हम आपको बताते हैं 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने फ्यूचर गेमिंग पर छापा मारा और ठीक पांच दिन बाद यानी कि सात अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड में सौ करोड़ रुपए का दान करती है दूसरी बार इस कंपनी पर अक्टूबर 2023 में आईटी की रेड होती है और इसी महीने पैंसठ करोड़ रुपए का दान यह कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में करती है यही नहीं इस कंपनी के मालिक लॉटरी किंग के बेटे चार्ल्स जोस मार्टिन ने बीजेपी भी ज्वाइन की जांच एजेंसियों की छापेमारी में अगला नाम शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स का आता है इनकम टैक्स ने दिसंबर 2023 में इस कंपनी पर छापा मारा और अगले ही महीने जनवरी 2024 में यह 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है ऐसे ही हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल पर भी पहले छापेमारी हुई फिर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया इस चुनावी चंदे का पैटर्न यह बताता है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो जैसे केंद्र सरकार द्वारा 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान वेदांता को, को दिए जाने के तुरंत बाद वेदांता अप्रैल 2021 में 25 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है इसमें कई ऐसी संदिग्ध कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपनी कुल पूंजी से अधिक बीजेपी को चंदा दिया जैसे क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी शेयर पूंजी एम फाइलिंग के अनुसार सिर्फ एक करोड़ रुपए है और इसने 410 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं ईडी की छापेमारी उसके बाद कंपनियों का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी को हजारों करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट मिलना और संदिग्ध कंपनियों द्वारा चंदा दिया जाना यह तमाम सबूत हैं जो मोदी के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं साफ है मोदी ने आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया है जनता मोदी को सत्ता से बाहर कर इस भ्रष्टाचार का जवाब देगी